लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। करिए करिए तो वादा फिर तोड़िए।
भाई तारा शंकर बाबू जी, लड़कियां जवान हो रही हैं। अरे पट्टे पे मिला सरकारी स्कूल चलाते हो, भाई भी कुछ ना करता, चारों तरफ पुराने कर्जों से घिरे हुए हो। अरे भाई लोगों की शादी पे हमें गाने गाते फिरते हो, कभी अपनी बेटियों की शादी ब्याह के बारे में भी सोचा है? क्या करूं राम भजन। ओह इतने सरकारी ताल्लुकात है तुम्हारे, इस्तेमाल करो। कितने जमींदारों की जमीनों के टंटे लटके पड़े हैं। अरे माल कमा लो माल। तू रहा ना दलाल का दलाली। अबे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं कलाकार हूँ, दलाल नहीं। कला ही जानता हूँ, कला की ही कमाऊंगा, न रिश्वत लेकर न रिश्वत देकर। गाजर खा गाजर। जीते रहो जीते रहो। कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई बाकी सब लोग ठीक ठाक पहुँच गए ना? जी भाई। राम भजन जी, ये क्या हो रहा है? 100 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा चंबा में, 5 साल हो गए हैं, 250 चक्कर लगा चुके हैं, अभी तक जमीन हमारे कब्जे में नहीं आई। अब वो पहले वाली बात तो रही नहीं, अब सर जी क्या है कि सरकार बदल गई तो सब बदल गया जी। देखो हमारा 60 करोड़ रुपया लग चुका है इस प्रोजेक्ट में। 1000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ डील भी पक्की कर ली है। अब अगर सरकार ने हमें ये प्रोजेक्ट नहीं लगाने दिया ना राम भजन, तो सीधे 600 करोड़ का घाटा होगा। भाई साहब आ गए। आओ आओ मेरे बच्चों। कैसे हो पप्पी दो? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। जी कहिए, चंबा पसंद आया? बात है भाई चंबा में। शकू भाभी एंजॉयिंग और नॉट? ठीक है बट नॉट लाइक स्कॉटलैंड। और तुम जानकी? भाई मैं कुछ नहीं बोलती, जहाँ भाई का घर वही बहन का स्वर्ग। अरे भाई मानव कहाँ है? भैया वो दिल्ली में है। क्यों वो साथ नहीं आया? भाई साहब हमने तो कहा था कि साथ चल, लेकिन कहता है कि आप लोग चलो, मैं खुद ही चंबा पहुंच जाऊंगा अकेले। कमाल है, पहली बार इंडिया आ रहा है और यहाँ अकेले आएगा। भैया वो आपकी बात नहीं सुनता तो हमारी क्या सुनेगा? कहता है इंडिया देखते देखते आऊंगा। इंडिया? प्रिंस मानव, आपको पूरा घर ढूंढ रहा है और आप यहां खड़े हैं। चलिए बैठिए। अरे काका वो फाइलें गाड़ी में जल्दी रखो, कमिश्नर साहब के जाना है। नमस्कार अंकल। नमस्ते। अरे भाई कहां हो तुम? अब आई गए हो तो इस प्रोजेक्ट पे भी थोड़ा ध्यान दो। डैडी तुम्हारे नाराज बैठे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ मिल लो उनसे। बाप की आत्मा बेटे के लिए कैसे तड़पती है ये मानव साहब को क्या पता। डैड आइए सर, वेलकम टू चंबा। ठीक है आपने सॉरी कह दिया और हमने मान लिया। जानता हूँ योर हाइनेस, जानता हूँ अब आप क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? कहेंगे मानव बेटा डैडी का नहीं कम से कम अपना तो ख्याल किया होता।
अकेले इतना लंबा सफर, लंदन से पहली बार हिंदुस्तान आए हो, कहीं गुम हो जाओगे, कोई जेब काट लेता, कोई किडनैप कर लेता तो क्या होता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ डैड। सच पूछो तो मैं भी जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं योर ऑनर। आप कहने वाले हैं कि डैड हिंदुस्तान देखना है तो हेलीकॉप्टर में बैठ के मत देखो, रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठकर देखो, टूटी हुई बसों में बैठकर देखो, स्टफी गलियों में से जाकर देखो, और ऐसे हिंदुस्तानी को देखो जो किसी चीज में भी कामयाब नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन फिर भी हंसता है, गाता है, खेलता है। यही ना, इंडिया इज जस्ट ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। और ये चंबा तो कमाल की जगह है। अरे इसीलिए तो सिंगापुर एयरपोर्ट से तुम्हारे लिए लेटेस्ट डिजिटल फ्लॉपी कैमरा लेकर आया हूँ, ये देखो। वाओ, थैंक्स डैड, यू बीट मी टू इट। हाँ, बाय लेंथ। तुम्हारा ब्राउनी सबसे ज्यादा इसने मिस किया तुम्हें। अच्छा, जाओ जाके मिलो, बहुत नाराज है तुमसे, जाओ जाओ जाओ। ये बाप बेटे की बातचीत का सिस्टम तुमको समझ में आया? आप चुप रहिए। मैं तो चुप ही हूँ। ब्राउनी, ब्राउनी, नाराज हो मुझसे? सॉरी यार, मैं देर से आया, माफ नहीं करेगा मुझे। चल घूमने आएगा? हाँ नहीं, मैं जा रहा हूं, आना है तो आओ। जो भी हो, जहां भी हो, कहीं भी हो, वहां आ रहा हूं
मुझको भी गोद दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया, सावन ने आज तो मुझको भी गोद दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया, ऐसी लगी जड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, क्यों मैंने खो दिया, चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से चाल मिला, ताल से ताल मिला, मानान जान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले, आ दिल के पास इस दिल के रास्ते, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, हो ताल से ताल मिला, क्या मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ? I love it. ताल से ताल मिला. सब्जी खरीदो, सब्जी खरीदो. दो दिल मिल रहे हैं
प्राणी साहब, ऐसा नजारा कभी देखा है? ये कोई सभ्य बात है? मैं कह देता हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, क्या क्या हो गया? अजी, होना क्या था, इन्हीं का लड़का पहाड़ी से गिर रहा था, मेरी बच्चियों ने उसे बचाया। अब बचाया तो बचाया, वो बदतमीज अपने कैमरे से उनकी फोटो उतारने लगा। अब आप बताइए ब्रिगेडियर साहब, आपकी बच्ची अगर बारिश में खेल रही हो, बारिश में नहा रही हो, और कोई गैर लड़का छुप छुप के उसकी फोटो उतारे, तो आप क्या करेंगे भला? मैं तो उसे शूट कर दूंगा। बस तो वही करने आया हूँ मैं। अरे भाई साहब, आप कौन से सभ्य हैं? बिन बुलाए किसी भी पार्टी में चले आते हैं, और वो भी डंडा लेकर? ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ओ मैम साहब, आप सब चंबा में है समझे, बड़े होंगे तो अपने घर में होंगे, और मुझसे तो टकराना मत। अरे तारा बाबू जी, तारा बाबू जी, तारा बाबू, तारा बाबू, मैं इस परिवार का मझला भाई दीप मोहन। अगर हमारे बच्चे से कोई गलती हो गई है तो हम सब हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। आप उस बेटे को लाइए हमारे सामने। तारा बाबू, जब घर के बड़े लोग माफी मांग रहे हो फिर क्या गुस्सा करना जी। भाई साहब, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगे? खुश रहो। ठीक बेटा, अंकल को नमस्ते तो करो। नमस्ते अंकल। इसी दो जीते रहो, जीते रहो। आप तो क्या है, अपने बच्चे को जरा समझाइए जी, हैं? जी, जी। और गलती से अगर उसने कोई उल्टी सीधी फोटो खींच भी ली हो तो हमें वापस कर दे। बिल्कुल। हाँ, अब मैं चलूंगा। तारा बाबू, पार्टी तो अटेंड कीजिए। नहीं जी, अब तो मैं चलूंगा। अरे, अपनी छड़ी तो यहीं भूल गया। नमस्कार। नमस्कार। मैं मानव मेहता। ये आपकी छड़ी, हमारे घर छोड़ाए थे आप। आए वो, अच्छा अच्छा, तो आप ही वो शहजादे हैं जिसने हमारे जिसने फोटो खींचने की गलती की थी, और उसी गलती की माफी मांगने आया हूँ मैं आपसे। भले घर के लड़के हो, देखो कम से कम वो जो फोटो तुमने खींची है ना, वो हमें वापस कर दो। ये लीजिए। ओ ये क्या अम्पा पड़ लाया भाई? ओ मुझे वो चाहिए, वो जो गोल वाली होती है ना, जो रील अंदर डलती है कैमरे में। नहीं 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 नहीं, ये फ्लॉपी है। ये जो कैमरा है ना मेरे पास, इसमें फ्लॉपी डालते हैं, वो रील सिस्टम है ही नहीं। क्या? मैं एक फोटो खींचता मैं आपकी। अच्छा अच्छा, छोड़ छोड़, ये तू ही रख ले। ये कंप्यूटर वम्प्यूटर भैया हमारी समझ में कहाँ आएंगे, लेकिन आइंदा से तू फोटो खींचने की जरूरत ही नहीं होगी। आप इतने खूबसूरत लोग हैं कि आपकी तस्वीर सीधे दिल में छपती है। क्या? अब मैं चलूं? नमस्कार। नमस्कार। ये बंदा बढ़िया है। इन कलाकारों की तो जात ही ऐसी होती है सर जी, भावुक, इमोशनल, सेंटिमेंटल। लेकिन तारा बाबू तो हमसे बहुत नाराज हैं। पर कुलदीप भैया ने क्या संभाला है। मगर ध्यान रहे सर जी, लक्ष्मी और सरस्वती का तालमेल तो जरा कठिन ही होता है जी। ये तालमेल भी होगा और ये ताल भी बजेगी राम भजन जी। वो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बस कल सुबह आप हमें तारा बाबू के घर ले चलिए, फिर देखिए हमारा कमाल। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आप सब? तारा बाबू, मैं इस परिवार का सबसे बड़ा भाई जगमोहन हूँ जी, और मानव का पिता हूँ। मानव की हरकत की माफी मांगने आए हैं हम सब। शिवा 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 शिवा, अब छोड़िए भी ना भाई साहब, वो
बात खामखा इतनी लंबी होती चली गई, पता ही नहीं चला आप जैसे इतने बड़े और रईस लोग इतने विनम्र हो सकते हैं, यकीन ही नहीं होता। ये तो जी राम भजन ने मुझे कल रात को बताया कि आप इतने बड़े और इतने सीधे साधे लोग हैं। ओए शिवा, ओए तुझे मालूम है ये बड़े साथ तो हर देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ खाना खा चुके हैं जी, और सुना जी कि बड़े बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर आपकी फोटो छपती है जी। है हम लक्ष्मी के सेवक कितने भी बड़े हो जाएं, सरस्वती के उपासकों से कम ही पड़ते हैं। जी नहीं जी, मैं तो छोटा सा गवैया हूँ देहात का जी, वो क्या कहते हैं वो फोक सिंगर। तारा बाबू, आपकी यही साथ की तो हमें आपके पास खींच लाई। मैं जी वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ कि उस दिन आपके घर पे आके गलत बर्ताव किया, सच में जी सॉरी। नहीं नहीं देखिए, मैं तो सॉरी तभी मानूंगा जब आप हमारा लाया हुआ छोटा सा तोहफा कबूल कर लेंगे। तोहफा जी? राम भजन उठाओ। आपने हमारे इस आश्रम में आत्मा डाल दी भाई साहब। आओ बेटा, ईश्वर तो जी आ जाए हैं हमारे घर। जी मैं संतराम। अच्छा जी। कंसल्टेंट। अच्छा अच्छा। जी मैं ब्रजमोहन। उम्मीद है माँ सरस्वती की मुलाकात बहुत। बेटी आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। आओ आओ, ये देखो ये हमारे लिए बंबई से माँ सरस्वती की मूर्ति लाए। ये है मेरी इकलौती बेटी मानसी, एक ही है पर डांटती बहुत है मुझे। नमस्ते बेटी। लीजिए ना जी, लीजिए। अरे मैं अपने परिवार से मिलवाना तो भूल ही गया, ये मेरा भाई है जी शिवा, ये मेरी भाभी है चंद्रा, ये मेरी बेटी है जी शिला, और ये मेरे दोनों साथी हैं। बस जी साथ में मिलकर रहते हैं, साल से साल मिलाते हैं और जिंदगी के आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा लिखा है ये। ताल से ही गीत है, ताल ही संगीत है, ताल पे ही सांस है, ताल से ही प्रीत है। बात है भाई बात है। मेरी बेटी ने लिखा है, मानसी ने। अच्छा हाँ। बेटी ये तुमने लिखा है? जी जी। वेरी गुड वेरी गुड। तारा बाबू आपसे एक निवेदन है। आज रात हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी है, दिल्ली से मेरे बड़े बड़े दोस्त आ रहे हैं, आप भी पधारें, आपकी उपस्थिति हमारी पार्टी की शान बढ़ाएगी। अरे भाई साहब आप कहें और हम ना आए, ये कैसे? लेकिन भाई साहब आज मनिया के घर में भी तो शादी की पार्टी है। ओ हाँ वो तो है यार। ओ ऐसा करना आप सब मनिया की पार्टी पर चले जाना, मानसी और मैं भाई साहब के यहाँ डिनर पर। क्या खूब गाते हैं, वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि आप अपनी चैनल के थ्रू इनकी कला सारी दुनिया को दिखाएं। आंटी आंटी मेरे गुब्बारे का वजन कितना है? तुम्हारे गुब्बारे का वजन है hmm.
गुब्बारे के धमाके से डर गई? तो ये शरारत आपकी है? जी नहीं, बच्चों की। वैसे आप मुझे बच्चा ही समझ लें? वो तो मैं देख रही हूँ। ये तो मेरा दिल है, स्वीट हार्ट, मेरा दोस्त ब्राउनी। हेलो करो। आपका कोई दोस्त नहीं? जी नहीं, मेरे रिश्तेदार ही मेरे दोस्त हैं। वैसे तो मेरे भी बहुत हैं। मेरे पापा हैं, मेरी नानी है जो बॉम्बे में है। आप मिलेंगे उनसे? आप मिलवाएंगे? इसे पकड़िए। एक मिनट, वन मिनट, यहीं रहिएगा, मैं अभी आता हूँ। एक बड़े साहब के साथ खिंचवाएंगे। क्या बात कर रहे हैं तारा बाबू, फोटो तो हमें खिंचानी चाहिए आपके साथ। वेलकम वेलकम। तुम तारा बाबू की बेटी हो ना? देखा डॉली, आते ही घर के कुत्तों से दोस्ती कर ली। इसे कहते हैं स्मार्ट गर्ल। शी इज अ स्मार्ट गर्ल। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। आइए जरा, एक मिनट, एक्सक्यूज अस। बड़ा रिलेशंस बढ़ा रहा है। तारा बाबू, आप बंबई जरूर आइएगा और वहाँ आकर हमारे पास ही रहें। अरे बंबई? ओ बंबई में तो मेरी चचेरी बहन रहती है प्रभा, टीवी में काम करती है जी, रिपोर्टर है। प्रभा शंकर मुंबई से। क्या बोलती है? ये देखिए, ये है मेरी नानी, यही मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे सर से पांव तक जानती है। Excuse me, I forgot your name. Excuse me. जिया जी, आपने मानव को देखा? हाँ, देखा। वो गया। आप योगा बहुत अच्छा सिखाती हैं। Thank you. मुझे सिखाओगी? जरूर। मगर आपको मेरा स्टूडेंट बनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बैंड बहुत अच्छा है ना? आप मेरा एक काम करेंगे? हाँ? मेरी सहेली मनिया की शादी है आज, और पापा मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए। और आप अपनी सहेली की पार्टी में जाना चाहती हैं? हाँ देखो ना, वहाँ पर शन्नो है, ईला है, सिद्धू है, सभी तो है। आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? थैंक यू। इट्स ओके, फिर आऊंगा आपसे मिलने। मुझसे मिलने? क्यों? योगा सीखने? जरूर। वादा? वादा। पक्का? कच्चा। अच्छी है ना? मनिया, हाय दीदी। हमें तो लगा तुम नहीं आओगी, हम कब से तुम्हारा इंतजार। मैं कैसे नहीं आती? आज तो तुम्हें गीत सुनाना ही पड़ेगा। क्यों इला? तू गाना। नहीं पहले आप ही गाएंगे। तू गा, मैं नहीं गाती। नहीं पहले आप ही गाएंगे। चलो 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 चलो। इमली से खट्टा इश्क इश्क, वादा ये पक्का इश्क इश्क, धागा ये कच्चा इश्क इश्क, इश्क बिना क्या जीना यारो।
इश्क है क्या ये किसको पता, ये इश्क है क्या सबको पता, ये प्रेम नगर अनजान डगर साजन का घर का किसको खबर, छोटी सी उम्र ये लंबा सफर, ये इश्क है क्या ये किसको पता, ये दर्द है या दर्दों की दवा, ये कोई सनम या आप खुदा, ये कोई सनम या गुलशन, इश्क इश्क कांटों का दामन, इश्क फूलों का गुलशन, इश्क इश्क कांटों का दामन, इश्क इश्क़ जिना क्या जीना यारो।
कल रात का वादा याद है? तुमने कहा था कि तुम मुझे योगा सिखाओगी। हाजिर हूँ, मैं आ गया। चलो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ, हाथ ऊपर, दाएं मुड़ो, बाएं झुको, पूरा झुको, थोड़ा झुको, थोड़ा पीछे की देखो मानव, ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम अच्छी तरह से समझते हो मैं क्या कह रही हूं। हम दो अलग अलग लोग हैं। हाँ तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग ही तो मिलते हैं। कभी पहाड़ी और वादियों को मिलते देखा है या आसमान और धरती को? तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? प्यार में हो मेरे? देखो मानव, सुनो और मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लो। हमारे घर की लड़कियां इस प्यार के दायरे में नहीं पड़ती और उनका दायरा है सिर्फ उनके माता पिता और भाई बहन। समझता हूँ। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे बाबा के। उनकी भीतर की दुख दर्द को सिर्फ मैं समझती हूँ और उनकी दुख दर्द को और नहीं बढ़ाना चाहती मैं। हाँ बिल्कुल, बस तुम इतना समझ लो कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। कैसे समझ लूं जबकि सब कुछ है? सब कुछ क्या? हम दोनों में प्यार हो रहा है। बड़ी जिद्दी हो तुम। सच्चा भी हूं तो आखिरी बार मेरा भी ये सच्चा जवाब सुन लो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ओके? नॉट ओके। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि मैंने साफ साफ पत्थर मारा ना। तुम डर गई। किससे? मुझसे। कहीं मैं तुम्हें धोखा देके ना चला जाऊं। देखो तुम मुझ पर और जादू चलाने की कोशिश मत करो। यानी मुझ में जादू है? अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। I love it। चलो चलो, नहीं मुझे नहीं। ये वाली पहनो। नहीं, अरे
हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए विश्व विख्यात मेहता एंड मेहता कंपनी, उनका परिवार हमारे सहयोगी बने, हम उनके आभारी हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं तारा बाबू का, जो बचपन के हमारे मित्र भी हैं। तारा बाबू चंबा की शान है। गरीबों में रहकर भी इन्होंने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। सरकारी प्रशासन में ही नहीं बल्कि हिमाचल की जनता के दिल में। पहली बार आ रहा हूँ। अरे बहुत मानो बेटा, बहुत अच्छा जी। मानो बेटा ठंडा। काका वो लड़की खड़ी है ना, वो करे चुनी वाली, हाँ उनके पास ले जा। अच्छा तारा बाबू, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके लिए ठंडा भी जाए। नहीं हमें नहीं चाहिए, आप चाहिए। सुनो भैया, एक कोक। क्या हुआ? ये तो मुझे दे दो, तुम दूसरा ले लो। क्यों? अब प्यास लगी मुझे। सुनो भैया रुको। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? चलो मिनिस्टर साहब से मिलो। एक मिनट में आया। मानो तीन बार बुलाया तुम्हें स्टेज पर, तुम्हें सुनाई नहीं देता। चलो मिनिस्टर साहब से मिलो। चलो आओ। अरे चलो चलो चलो, चलिए ना आओ। अब तो सब कुछ समझ में आ गया ना भाई साहब? हाँ समझ आ गया। हम सब कल बंबई के लिए रवाना होंगे। No more staying here. मैं जानता था तुम आओगी और यहां ही आओगी। अब कहो, कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कहो कहो ना।
खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। क्या? वही जो आम हिंदी फिल्मों में होता है, शहर से लड़का आता है, पहाड़ी लड़की से प्रेम करता है और फिर छोड़कर चला जाता है। फिर वो वापस कभी नहीं आता। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये फिल्म नहीं, मेरी हकीकत है, मेरी जिंदगी है। होगा? होगा, थोड़ा सा संघर्ष जो मुझे अपने परिवार से करना होगा और तुम्हें अपने घर वालों से। सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब जाना होगा। सुनो मानव, ये मैं तुम्हारे लिए। लेकिन ये तो मेरा है। हाँ, लेकिन अब हम दोनों का है। देखो, ये मानव सी मतलब? मानव सी मतलब मानव जैसी। मानसी मानव जैसी। बहुत बहुत धन्यवाद तारा बाबू। बॉम्बे आए हैं तो जरूर मिलिएगा। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, समझे भाई साहब? आप भी। वेरी नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। अच्छा जी, नमस्ते। कहते हैं वहां जाओ और ईश्वर से जो कुछ मांगो तो वो उसे मिलता है। चलोगे? मैं मंदिर नहीं जाता। क्या? हाँ, मैं मंदिर कभी गया ही नहीं। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। मैं समझी नहीं। जब मैं 11 साल का था, मेरी माँ चल बसी। वो हमेशा मुझे एक बात समझाया करती थी कि मानव, ईश्वर इंसान के दिल में बसता है, यहाँ उसके अंदर स्वयं में रहता है। आखिर ईश्वर है क्या? विश्वास है, सच्चाई है। हर इंसान अपने अपने रूप में उसको देखता है, कोई किताब में, कोई मूर्त में, कोई रोशनी की लौ में। मैं ईश्वर को खुद में देखता हूँ बस। और तुम्हारा प्यार भी मुझ पर एक विश्वास ही तो है। हाँ, एक विश्वास ही तो है। और इसी विश्वास को याद रखने के लिए मैं ऊपर वाले मंदिर की दुकान से कुछ खरीद के लेके आया हूँ। देखोगी? सस्ता है, पत्थरों का है, लेकिन सच्चाई इसमें 100% है। बैठ के दिखाओ। बाबा से बहुत प्यार करती हो ना? ठहरो बाबा,
इससे पहले कि आप कुछ कहें या मुझे गलत समझें, मैं आपको सब बात बता देना चाहती हूँ। यह हार मुझे मानव ने दिया है। क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि मुझे बहुत प्यार करता है बाबा। और तू? मैं भी। और तेरी खोपड़ी सही है? मालूम है कौन है वो? बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं वो, उनका हमारा कोई तालमेल नहीं है। पर मेरी ताल मानव से है बाबा, उन ऊंचे लोगों से नहीं है। ना ना ना, नामुमकिन है, ये असंभव है, ये असंभव है। हेलो। हेलो, मैं मानव बॉम्बे से। हाँ बाबा। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है शन्नो? सिचुएशन टेंस है। बाबा मानसी। ओ, यानी बाबा को पता चल गया है। ठीक है, बाबा को फोन दो। बाबा, मानव का फोन आपके लिए। हेलो, आई एम सॉरी बाबा, चलने से पहले आपको मिल नहीं सका, कुछ बात करनी थी कर ना सका। चलो अच्छा हुआ, आपको तो पता चल ही गया कि मैं आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तुम। हाँ तो बाबा, मैं कह रहा था कि जाते वक्त मैंने जो आपकी मानसी से वादा किया है वो पक्का ही किया है, मैं मानसी से ही शादी करूँगा। ये मेरी कमिटमेंट है और इसे पूरा करूँगा। जानता हूँ पिता होने के नाते आप चिंता कर रहे होंगे, मानसी को गुस्सा कर रहे होंगे, मैं होता तो शायद यही करता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर दिल में हो तो सच्चाई मजबूत रहती है। मानव, डोंट वरी मानसी, सब ठीक हो जाएगा। अंकल आर्टिस्ट है ना, और एक आर्टिस्ट से ज्यादा प्रेम को कौन समझ सकता है। हा? देखो मानव, तुम मुझे बाद में फोन कर लेना प्लीज। अरे कहाँ थे तुम, मैं कब से पुकार रही हूँ। मानव मानव, जवाब ही नहीं दे रहे। मानव की लव स्टोरी में एक और ट्विस्ट आ गया है नानी। मानसी के बाबा को पता चल गया है कि मानसी मेरे प्यार में है, यानी हम दोनों प्यार में हैं। प्यार व्यार की बातें छोड़ो और ये तस्वीर देखो, ये लड़की दीप मोहन और शकुनत तुम्हारे लिए चुनी है। लेकिन मैंने उसके बाबा से साफ कह दिया, आई एम कमिटेड, मैंने वादा किया है मैं निभाऊंगा। लेकिन जगमोहन ने तुम्हारे लिए कुछ और ही फैसला किया है। कुडेसिया खानदान की ये लड़की है निशिता, लड़की तो हमें भी बहुत पसंद है, दर्जा है लड़की का। नानी दिस इज नॉट फेयर, मेरी कहानी सुनने के बाद भी आपको कोई सिंपथी नहीं? इन सब का पैकअप हो चुका है। सिंपथी तब होगी जब तुम मेरी बात मानोगे। ओके ओके ओके, तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी होगी जो हमें पसंद है। नहीं 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 नानी, ये ठीक नहीं है, आप मुझे एक नई क्लाइमेक्स में फंसा रही हैं। यहाँ इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, ऊपर से ये नया ड्रामा। नानी, आई लव हर टू मच, यू नो हाउ मच आई लव हर, और आप मेरी नानी हैं, आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा ना, ये ठीक नहीं है। पहले तस्वीर तो देख लो। प्यार में गिरो मत बच्चे, उठो, राइज इन लव। तुम यहाँ? भाई साहब, बच्चियाँ परेशान है कि आप गए कहाँ? प्रभा को फोन करने गया था। बम्बई? बम्बई, एक ही तो है अपनी वहाँ, प्रभा बहन बम्बई में। हाँ, क्या सलाह दी उसने? क्या सलाह देगी वो, उसने कहा कि मानसी को लेकर बम्बई आ जा, वो खुद बात करेगी उससे, फिर मसले का हल बताएगी। उसने ये भी कहा कि जग्गी भाई साहब को इत्तला मत करना, सीधे चले आना। परेशान हूं मैं तो। तो अब आप बम्बई जाएंगे क्या भाई साहब? यहां तो अब एक रात भी नहीं गुजार सकता मैं,
बंबई तो जाना ही होगा। चलो इसी बहाने आप बंबई तो आए भैया। अश्विन कहाँ है? उसे तो मैंने तलाक दे दिया। क्यों? वो था ही इसी काबिल, पर उसकी निशानी है ना मेरे पास, मेरा टुन्नो। नमो बाबाए सर्वाए रुद्राए अशुना पते निपुराए आए जा। तुम्हारी सारी कहानी सुनने के बाद मानसी, मैं सिर्फ एक नतीजे पे पहुंची हूँ। कल सुबह 7 बजे तुम सीधे मानव मेहता के यहाँ पहुंच जाओ और उन्हें चौंका दो। Just give them a surprise. अरे भाई कहा ना, आज साहब किसी से नहीं मिलते, आज संडे है। अरे भाई उनसे कहो कि चंबा से हम आए हैं, तारा बाबू हैं हम, उनके उनके बहुत नजदीक के दोस्त हैं। देखिए 9:30 बजे से पहले हमें इस घर में किसी को भी फोन करने या जगाने का हुक्म नहीं है। आप यहाँ बैठिए बेंच पर, 9:30-10 बजे हम फोन करके तपास करेंगे। अरे पर यहाँ यहाँ हम नहीं बैठेंगे, हम उनके दोस्त हैं भाई। उनके सब दोस्त ही आते हैं यहाँ पे। बैठिए 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 बाबा। आइए। हेलो मेन साहब, चंबा से कोई तारा बाबू आए हैं और साहब से मार बिठा उन्हें। जी मेन साहब। इधर आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। यहाँ हम नहीं बैठेंगे भाई। क्यों? सुनो भैया, क्या मैं फोन पे अंदर बात कर सकती हूँ कोई साहब या छोटे साहब से? देखिए हम आपसे कह चुके हैं साहब सो रहे हैं और छोटे साहब घर पे हैं नहीं, वो अपनी नानी माँ के घर गए हैं कल रात से। बैठिए। ब्राउनी इधर आ। ब्राउनी नाम है ना तुम्हारा? तुम पहचानती हो इसे? हाँ, और ये भी मुझे पहचान गया। वाह। ओए देखा, ये पहचानता मैं। बाद में देखता हूँ तुझे बच्चू। हेलो ओ शेकन ले यार, शेकन कर ले। नहीं जरूर जगमोहन भैया को जाकर बताएगा ये। ब्राउनी शट अप यू, बंद कर दो इसे कमरे में, लॉक हिम अप, सुबह से तंग करके रखा है। Hello. Hi. How do you do? Thanks. Please do. Nice meeting you. Yeah. How are you doing? Hello. Yeah. Okay, this way. Thanks yeah. a lot. Yeah, pleased to meet you. Hi, how are you? Welcome. Main dekhta. You've got a lovely house. Yeah. Dubai. Oh, thank you so much. Yes, everything is all right. Aap andar chaliye. Sorry? Excuse me, sir. I'll join you. अरे हम आ गए हैं। तारा बाबू आप कब आए? कब? सुबह 7:30 बजे के आए हैं यार, वो हरामी चपड़ासी, फोन पे बताया नहीं तुम लोगों को? हैं? 6 घंटे के बैठे हैं यार। और ये बताओ कि ये जगमोहन भैया हैं कहाँ? वो तैयार हो रहे हैं। असल में क्या है कि लंदन से कुछ खास मेहमान आए हैं हमारे, उनके साथ लंच है भाई साहब का, जरूरी है। आप लोग बैठो, मैं कहता हूँ उनसे। मैं कहता हूँ तो हम सुबह। अरे श्रीराम। यस सर। इन्हें यहाँ छाया में बिठाओ। जी आइए यहाँ बैठिए। यहाँ बैठिए। चाय पानी लेंगे आप लोग? पानी पिला दो भाई। जी भेजता हूँ। Glad to meet you. Hello. Hello, darling. Actually, I was waiting for you. Sir, I thought you had not received the invitation. Right. Have something. Idhar please you drink. Welcome, welcome. अरे श्रीराम,
तुमने इन लोगों को यहाँ बिठाया है? ये कोई सड़क छाप लोग नहीं है, चंबा के तारा बाबू हैं, भाई साहब के चहेते, हिमालय के गोद से आए हैं। इन्हें अंदर वेटिंग लाउंज में बिठाओ, एयर कंडीशन में, बिना अपॉइंटमेंट चले आए। ओ वो क्या है बहन जी की, हम लोग तो आप लोगों ने इस घर का नियम तोड़ा है। इस घर में कोई भी किसी को बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। खैर राजधन जी मैडम, इन्हें अंदर बिठाओ। पंकज तुम इन खड़े अलग ना, सिटी भी तुम्हारे खास है। ठीक है, मैंने कहती थी फोन कर लो, अपॉइंटमेंट लो। सुना क्या कह गई वो? क्या कह गई वो? अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? हमारे घर अपॉइंटमेंट लेकर आए थे वो? ड्रामेबाजी है सारी। ब्राउनी You! Get out of this room! I say get out! नहीं बाबा, अब चलो। जाएंगे बेटा, घर तो जाएंगे ही, लेकिन अब जो है ये नाटक पूरा ही देखकर जाएंगे। गली गली नौटंकी करने वाले तुम लोग, मेहता परिवार का ड्रामा देखने आए हैं या करने आए हैं? जी पूरी तरह से सजा धजा कर लाए हैं अपनी बेटी को, हमारे इस महल के राजकुमार को फंसाने। देखिए बहन जी, आप कुछ तुम जैसे दलालों की बहन नहीं लगती मैं, समझे? यही बेहतर होगा कि तुम लोग अपने घर वापस चले जाओ। मैं एक बार तो जगमोहन भैया से मिलकर ही जाऊंगा आज। भाई साहब इस वक्त इंग्लिश लोगों के साथ लंच कर रहे हैं, तुम क्या करोगे वहाँ पर? कुत्ते की तरह पीछे पीछे तुम हिलाओगे? आंटी आ जाने दो जगमोहन भैया को, उनसे कहूंगा बाहर जो ये कुत्ते बांध रखे है ना, इस अंग्रेजी चुड़ैल को भी जंजीर से बांध दे। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? How dare you? राजधन, धक्के मार कर इन दोनों को घर से निकाल दो। तारा बाबू, जगमोहन भैया, भैया हम कब से? रुक जा, यहीं पर रुक जा। इसने मुझे चुड़ैल कहा, काका, कहा या नहीं कहा? जी कहा। बस, that's it। तारा बाबू, एक तो अचानक तुम यहाँ आकर टपक पड़े और उसके बाद तुमने हमारी भाभी को चुड़ैल कहा। कहा हमने चुड़ैल? क्योंकि तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ चुड़ैल जैसा बर्ताव किया। तारा बाबू, तारा बाबू, चंबा का तारा बाबू, आपका दोस्त, आपका भाई तारा बाबू, कह दो आपको भी कुछ खिलाफ हमारे कहना है तारा बाबू के, बोलिए बोलिए। तारा बाबू, इस वक्त तुम ठीक हालत में नहीं हो, अभी तुम घर जाओ और कल मेरे पास आकर ऑफिस में बात करो। वाह वाह, कह दिया ना आखिर तुमने भी। हाँ कह दिया, नाउ यू प्लीज गो। गो गो। वाह यार वाह, साला पानी भी नहीं पिलाया एक गिलास, वो बैठने को भी नहीं पूछा यार को। वाह, हमारे घर तो बहुत बड़े आदमी बनकर आए थे भाई तुम लोग, हैं? माँ सरस्वती की मूर्ति लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। कलाकार तो भगवान का रूप होते हैं, हम अमीर लोगों से भी दौलतमंदों से भी कहीं महान कहीं बड़े होते हैं। बड़े सेंटिमेंटल आदमी हो तुम भाई, हम लोग तो हर बैंड बाजे वाले को कलाकार कहते हैं, और बैंड बाजे वाले को नोट दिखाओ तो तुम हिलाते हुए चले आते। ये सरस्वती वरस्वती कुछ नहीं, लक्ष्मी के चमचे हो तुम लोग, लाट टपकती है नोट देखकर और बातें बड़ी बड़ी करते हो। अगर तुम्हें अपने काम का मुआवजा चाहिए तो ले जाओ और दफा हो जाओ यहां से, समझे? समझे, बिल्कुल समझे। और क्या है भाई कि अब मुआवजा तो हमें चाहिए, आज ही चाहिए, अभी अभी चाहिए हमें मुआवजा। ठीक है, बोलो कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तुम लोगों ने, मिला अब मिला मुझे।
मानव ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मानव, आपने मेरे पिता पर हाथ उठाया, जानते हैं आपने क्या किया? पूरी दुनिया में किसी को एक शब्द भी अपमान का ना कह सका, आपने उस पर हाथ उठाया मानव। लेकिन आप पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं। चले जाइए यहां से, जाइए यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी हाथ उठ जाए आज। जाइए। उठा हाथ मानव। मानसी, इन्होंने मेरे पिता की इज्जत, तुम्हारे पिता की इज्जत इज्जत है और मेरे बाबा की इज्जत ही नहीं, तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अमीर अमीर पुतले। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं अपने घर अपने पिता की इज्जत पर किसी को हाथ नहीं रखने दूंगा। मेरे पिता सब कुछ है, 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 समझी? समझी, समझी, और अब तुम भी समझ लो, ये रहा तुम्हारा प्यार और ये रहा तुम्हारा तोहफा। बाबा, तू नहीं रो बाबा, चलिए वहां बैठते हैं। यहां बैठ जाओ बाबा। शिवा, लेकिन तुम्हारे अंधे प्यार को आंखें कैसे देती?
यही तरीका था मेरे पास कि तुम लोग खुद जाओ और देखो ये दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है। अच्छा हुआ ना सब जल्दी हो गया। या दैट्स राइट मानसी, जिंदगी चैप्टर्स में आती है, एक चैप्टर खत्म दूसरा शुरू। व्हाट इज दिस, विक्रांत एंटरटेनमेंट कंपनी? ये तुझे कहां से मिला? बाबा के पास। ये कार्ड किसका है? ये कार्ड किसका है? विक्रांत कपूर एंटरटेनमेंट कंपनी। ये आदमी हमें रास्ते में मिला था एक स्टेडियम में। आपको मिला था? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, हमें पहचान लिया या हमारे पास आ गया, कहने लगा कि आप ही तारा बाबू हैं। वाह, हमने आपके बड़े गाने सुने हैं रेडियो पर, और वो पंजाब केसरी में मेरा फोटो छपा था ना पिछले महीने, वो भी देखा है इसने। ऑलराइट, तारीफ कर रहा था बहुत, कहने लगा कि आओ जी आओ हमारे स्टूडियो में आओ मंडे को आप 11 बजे। आपने क्या कहा? हमने कह दिया हम आएंगे, लेकिन जाएगा कौन? भैया आपको मालूम है ये आदमी है कौन? अरे होगा कोई, हमारे लिए तो चोर है, हमारा ही गाना चुरा कर नया बैंड बजा रहा था। I don't believe this. भैया भैया ये है विक्रांत कपूर, टेलीविजन इंडस्ट्री का टॉप स्टार। तुम पहले कपड़े पहन कर आओ। भैया इतना बड़ा आदमी आपको अपने स्टूडियो में बुला रहा है और आप लोग कह रहे हैं हम लोग चंबा जा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। आप लोगों को उसके स्टूडियो में कम से कम एक बार तो जाना चाहिए, क्या पता तकदीर कौन सा दरवाजा खोल दे। है कि विक्रांत की दो नहीं चार आंखें हैं, दो आगे और दो पीछे। वो पीछे की आंखों से भी बहुत अच्छी तरह से देख लेता है। वहां जाइए, पीछे की आंखों से देखकर उसने आपको बुलाया था। जाइए 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 जाइए। गुड लक, गुड लक। आई एम प्रभा शंकर, टीवी रिपोर्टर, तारा बाबू की कजन। हां, तारा बाबू को तो मैंने देखते ही पहचान लिया था। देखिए तारा बाबू, वैसे तो मैं अपना म्यूजिक खुद ही कंपोज करता हूँ, लेकिन इस देश के कोने कोने में फोक टैलेंट छुपा हुआ है जिसे हमारी कंपनी ढूंढती रहती है। आपके गाने आप जलंधर रेडियो पर गाते हैं, लेकिन हम यहाँ इधर सुनते हैं। हम यहाँ उन्हीं गाने को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे रीमिक्स करके लाखों रुपए कमाते हैं। रीमिक्स? रीमिक्स रीमिक्स वो होता है कि किसी का भी बनाया हुआ गाना पकड़िए या चुरा लीजिए,
फिर उसमें चार नए साज अंदर डालिए, फिर उसे रिकॉर्ड कीजिए, रीमिक्स कीजिए और खुद मालिक बन जाइए। भाई कला तो कला होती है, चाहे अपनी हो या पराई। बस लक्ष्मी आनी चाहिए, छन 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 छन। हेलो विक्रांत। सदबुद्ध जी कैसे हैं सर? ईद का चांद हो गए, पूरे अखबार में आप ही का नाम है जी। हमारे दिल में तो आप ही का नाम छपा हुआ है। हाँ जरूर मिलिए, जरूर मिलिए। आप ही का स्टूडियो से पूछने की क्या बात है? हाँ इस वक्त मैं जरा बोर्ड मीटिंग में हूँ, आधे घंटे के बाद फोन कर लीजिए। ओके थैंक यू, आई लव यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। सैमी, इस हरामजादे उल्लू के पट्टे का दोबारा फोन आए तो कह रहा मैं स्टूडियो में नहीं। ओके आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा फ्रॉड, लेकिन ये हमारे बिजनेस की भाषा है। हम दोस्तों से डांट के और दुश्मनों से प्यार से बात करते हैं। ये नए नए हैं, बंबई की भाषा अभी नहीं समझते। आप कुछ बोलती नहीं जी? मैं क्या बोलूं? कैसे कहिए जी, मैं क्या बोलूं? आहा जी, मैं क्या बोलूं? क्या मुखड़ा है, आवाज भी अच्छी है, आप गाती भी है? हाँ हाँ जी, ये मतलब मुझसे भी बहुत अच्छा गाती हैं। और डांस? डांस मतलब नृत्य में तो इन्होंने बीए किया है, संगीत में भी जी। That means I was right. मैं सही सोच रहा था और मेरी नजर सही थी कि here is a star of tomorrow. Yes. कपू। और ये है मेरे दोस्त, मेरे मैनेजर, मेरे सेक्रेटरी, मेरे हमदम, इस कंपनी के कर्ता धर्ता बैनर्जी। हाँ कपू, वो बड़ौदा से चैरिटी शो वाले सुतार भाई आए हैं। ये सुतार को तो मैं अभी उतारता हूँ। सैमी, उसे कहोगे हम पूरा साल तक बुकते हैं, 50 लाख रुपए लगेंगे एक शो के, कोई चैरिटी फैरिटी नहीं, 50 लाख रुपए दो, माल दोगे तो काम होगा। हाँ टेक इट ऑर लीव इट। ओके कुछ नहीं साहब, ये चैरिटी फैरिटी सब ढकोसला है, खुद माल अंदर करते और हम कलाकारों से कंसेशन मांगते हैं। मैंने तो कह दिया तारा बाबू, मैं 21वीं सदी का आदमी हूँ, मुंडन हो, शादी हो, अवार्ड फंक्शन हो, माल मिलेगा तो ताल बजेगी। तारा बाबू, हम कलाकार लोग प्राइसलेस होते हैं, प्राइसलेस। मुझे बड़ी खुशी है जी कि आप कलाकारों की इतनी इज्जत करते हैं। मैं आपकी भी सच्चे दिल से इज्जत करना चाहता हूं तारा बाबू, पर सच कहूं मुझे इमोशनल लोगों से बहुत डर लगता है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल होना सीखना पड़ेगा। यही तो मैं भी कहती हूं इनसे। अब देखिए ना, इमोशनल होकर आप हमेशा गरीब रहे हैं और रहेंगे, वहां पहाड़ियों में गाते रहे और हम यहाँ रिमिक्स करके लाखों रुपया कमाते रहे। ये देखिए, इसमें सब आप ही के बनाए हुए गाने हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ तारा बाबू, कि आप हमारे कंपनी में आइए, गीत लिखिए, मानसी जी गाएं और हमारे शो में एक मॉडल डांसर बने, पर एक नई जिंदगी शुरू करें। सिंपल। देखिए आप हमें 2 दिन सोचने का मौका दीजिए। हाँ हाँ सोचिए सोचिए, आप हमारी कंपनी की ऑफर रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा मानसी, तुम 21वीं सदी की लड़की हो, सुसक्कर दुबक्कर घर बैठने से काम नहीं चलेगा। देखा ना आज के मर्द क्या भाषा बोलते हैं, दिमाग से काम लो मानसी, दिमाग से। वैसे भी चंबा वापस जाकर तुम क्या पाओगी, लोगों की हंसाई, 2 कुंवारी बहनों की शादी का बोझ, कर्जों से लदा तारा भैया का आश्रम, और खुद तुम कैसे जियोगी मानसी, कैसे 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 कैसे? मानसी जी, मुझे मालूम नहीं कि आपकी पिछली सैड स्टोरी क्या है, लेकिन इस कामयाबी के लिए आपको दुख, दर्द और धक्के खाना बहुत जरूरी है। आपने भी धक्के बहुत खाए हैं लगता है। Yes, you're right. बहुत धक्के खाए हैं, हिंदी फिल्म की उस हीरो की तरह जिसकी माँ को बचपन में उसका बाप छोड़ के चला गया। सिलाई कर करके मेरी माई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, संगीत सिखाया, और फिर वो मर गई, मैं अनाथ हो गया। वही वही सेम सैड स्टोरी सेम। ये मेरी माई है, मरते मरते 20वीं सदी की कुछ उसूल छोड़ गई। ये देखिए उसूल 20वीं सदी के,
प्यार बलिदान से महान होता है। नेकी कर, दरिया में डाल, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। बीए पास करने के बाद 5 साल इन उसूलों पे चला। क्या हुआ? बहुत भूखा मरा, बहुत खाने के वांदे हो गए। स्टेज बैंड के पीछे ये छैना बजाता था मैं, छैना। और ये हमारे बैनर्जी है ना, ये फोटोग्राफी करते थे। क्यों बैनर्जी? फिर हमारी जिंदगी ने एक नया टर्न लिया। हमारी जिंदगी में एक जयदेव मामा, हमारे मुंह बोले मामा जयदेव, उन्होंने हमें 21वीं सदी के 7 उसूल सिखाए, 7 कमांडमेंट्स। उन्होंने कहा कप्पू बेटा, ये पुराने असूल बदलो और 21वीं सदी के नए बंदे बनो। पहला असूल, प्यार सही लेन देन से ही मजबूत रहता है। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। नेकी करो पहले खुद से, फिर दूसरों से। मी फर्स्ट, मी फर्स्ट। बिना फल के सब कर्म बेकार है। फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। ईमानदारी से ज्यादा जरूरी है दुकानदारी, बिजनेस। कंपटीशन में जीतने के लिए जरूरी है जलन, जेलसी, ईर्ष्या। अमीर बनने के लिए जरूरी है लालच, ग्रीड। बड़ा बनने के लिए जरूरी है दूसरे को छोटा दिखाओ, खटिम, खटिम दुसार। 7 साल मैंने इन्हें फॉलो किया और देखिए कप्पू से विक्रांत कपूर बन गया। यानी आप सही में प्रैक्टिकल निकले। ये मुंबई है प्रभा जी, या हर चीज दिखावा, जिसे हम शोमैनशिप कहते हैं, सजावट है जिसे हम पब्लिसिटी कहते हैं, और बनावट है जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। अब देखिए हम मानसी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। अगर ये टेस्ट में पास हो गई तो। अरे लेकिन कप्पू ने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तो बता दो भाई। एक तो गाने का और दूसरा वीडियो टेस्ट देना होगा। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि हमारे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप शादी नहीं कर सकती। जी? न शादी, न दोस्ती, न इश्क, न मोहब्बत। नोप, नोप। देखिए मानसी जी, हम दर्द बेचते हैं, खरीदते नहीं है। सुनो तो सही मानव, दीपमोहन क्या कह रहे हैं? नानी ये लोग कुछ भी कहें, घर के स्टाफ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ है। गलती सरासर शको आंटी की है, और सवाल है पूरे खानदान की सभ्यता का। अच्छा, तो अब आप हमें सभ्यता सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। एक बड़े खानदानी इंसान को एक गरीब आदमी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सभ्यता तो शायद आपको सीखनी होगी। जिस तारा बाबू को चंबा में सरताज बनाकर रखा, उसे यहां कुत्तों के साथ बिठाया गया। जिसे सरस्वती का रूप कहते थे, उसे लक्ष्मी का चमचा नौकर कहा गया। 9 घंटे तक नानी, 9 घंटे तक धूप की गर्मी में बैठे बाप बेटी, जिनका इतना बड़ा तिरस्कार किया गया हो, वो लावे की तरह नहीं उबलेंगे तो क्या करेंगे? मानव तुम कहना क्या चाहते हो? डैडी 2 दिन में वापस लंदन से आ रहे हैं। आप लोगों ने जो जो ड्रामा किया है उनके साथ, उसका साफ साफ ब्यौरा डैडी को बताना होगा। भाई साहब को क्या बता दे, उन्हें कोई भी थप्पड़ मार दे और वो चुपचाप सहले? नो, वी विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस, एनी नॉनसेंस। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर मानव? अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है, तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? असली सत्य मैं समझाती हूं सुलभामा। जब 21 साल का नौजवान लड़का इश्क में अंधा हो जाता है, तब वो अक्सर इसी तरह से बर्ताव करता है। तब वो सिर्फ अपनी ही नहीं, सारे खानदान की तकदीर बदलना चाहता है। और मानव, पूरे खानदान की तकदीर तो नहीं बदलने देंगे तुम्हें। तकदीर तो बदल चुकी है अंकल। आपका मानव किसी का हो चुका है, देखना चाहेंगे तो देखिए। यह है मानव की मानसी, जो इस घर की बहू बनेगी, और एक दिन आप सब इसके चारों तरफ फैमिली फोटो खिंचा रहे होंगे। ये वादा है मानव का आपसे, आपसे और आपसे।
मैं जाऊं नानी? मैं समझ गया इस गल दी रमज मैं समझ गया नी मैं समझ गया तम है चीज गुड हाँ हाँ कर लो कॉन्ट्रैक्ट साइन कट 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 ए भाई ए मेरे बाप मैं आपसे कह रहा भैया हटिए मेरे हीरोइन के सामने आ रहे हैं आप अरे हटिए यार मैं आपसे कह रहा हूँ ये भी कोई नया हीरो आया है भाई साहब हम लोग काम कर रहे हैं आप वहाँ पब्लिक के पीछे जाके खड़े हो जाइए प्लीज देखिए मुझे मानसी से मिलना है मानसी से आप जानते हैं उसे जी हाँ बहुत नज़दीक से क्या लगती वो आपकी प्रेमिका जी बिलावेड माय बिलावेड एक मिनट कैन डार्लिंग कीप द रिहर्सल ऑन मानसी यस सर उस लड़की को देख रही हो वो कह रहा है कि उसे तुम्हें मिलना और तुम उसकी प्रेमिका हो इज इट अ फैक्ट नहीं सर ना ही मैं किसी की प्रेमिका हूँ और ना ही मुझे इससे मिलना है कह दूं कह दीजिए सर फाइनल यस सर भाई साहब वो कह रही है कि ना वो आपसे मिलना चाहती है ना वो आपको जानती है ना वो आपकी प्रेमिका अंडरस्टैंड मुझे उनसे मिलना है ओके शूटिंग के बाद मिल लीजिए देखिए मैं जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा हूँ आप भी जेंटलमैन की तरह बिहेव कीजिए वहाँ चले जाइए प्लीज प्लीज हमें काम करने दीजिए प्लीज स्टार्ट साउंड रुक जाओ मानसी मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है गलती मुझसे हुई और सारी बातें जान लेने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है जानती हो क्यों क्योंकि जो लड़की अपने माता पिता के गहरे प्यार को अपने प्यार से ज्यादा मान दे उनकी इज्जत के लिए अपने प्यार को त्याग दे वही लड़की किसी के घर की लक्ष्मी किसी की अच्छी पत्नी बन सकती है मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं माफी मांगनी चाहिए तुम्हारे पिता को मेरे बाबा से क्यों चाटा मारा इसलिए नहीं गलत बात है बिल्कुल गलत मानसी जिस तरह से तुम अपने बाबा का मान करती हो उसी तरह मैं भी करता हूं मानसी इट्स डन काम हो गया विक्रांत कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होना चाहिए आज शुभ दिन है गुड़ी पड़वा मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है जस्ट साइन इट जस्ट डू इट कम ऑन कम ऑन आज से 3 साल के लिए आप विक्रांत की हीरोइन द स्टार ऑफ टुमारो यहां साइन कर दीजिए मेरे घर फेंक कर आ गई थी तुम इन्हीं मोतियों का हार एक बार फिर से बनाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा अगर मुझ में ईश्वर है सच्चाई है
तो एक दिन तुम खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी। तुम खुद तो हो गई मीटिंग? हो गई। हो गया फैसला? जी हाँ हो गया। क्या आपको साइन कर दिया और मुझे रिजाइन कर दिया? ना कर दी आपको? जी हाँ ना कर दी। देखिए भाई साहब, मैं आपकी कहानी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो लड़का लड़की सितारों की दुनिया में आ गए वो आसमान पर लटक गए। स्टार्स इन द स्काई, वो भी जमीन पर ना। यार बियॉन्ड रियलिटी माय फ्रेंड। आप शायद इस लड़की को जानते नहीं, मैं जानता हूँ। वो आएगी, मेरे पास ही आएगी और इसे आप ही भेजेंगे। मैं? जी हाँ आप। I'm a businessman यार, a pure businessman। हाँ हाँ, businessman बनकर ही भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे। एक बात, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। I like your confidence, my friend. I like your confidence and good luck. Yeah, thank you. Welcome back, Daddy. जो बातें तुमने दीप से की, क्या वो सच है? बिल्कुल सच है। इन लोगों ने तारा बाबू और मानसी का अपमान किया, गलत किया, इसीलिए आपका अपमान हुआ, गलत हुआ। लेकिन ये भी सच है कि बोलो 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 कि मैं मानसी से प्यार करता हूं, उससे शादी का वादा कर चुका हूं। तो अब क्या करोगे? घर छोड़ दोगे? हमें जलील करोगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस हरकत से आपकी या आपके घर की इज्जत पे आंच आए, वो हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। नो तमाशा, नो छोटापन, नो वायलेंस, नो। ना ही आपको छोड़कर जाऊंगा, ना ही मानसी को भगाकर शादी करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। गुड। अगर मैं आपकी शादी मानसी से नामंजूर कर दूं तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। नो, यू वोंट डू इट। मानसी और मेरा प्यार आपके बुने हुए जाल के नीचे ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ। फर्क इतना है कि आपने तारा बाबू से एक बिजनेसमैन की तरह प्यार किया और मैंने मानसी से एक मैन की तरह, एक इंसान की तरह प्यार किया। ये ना होगा मानव। मानसी तो इस घर में नहीं आएगी, ना, नेवर। ठीक है, अगर मेरा प्यार झूठा है तो फिर वो कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरे दिल में ईश्वर है, सच्चाई है, अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मैं क्या, आप खुद मानसी को इस घर में लेके आएंगे। आप, एंड इट विल हैपन।
कोई आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए। कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे। मानसी शंकर की, जिसे आप मिलेंगे आज शाम को एमटीवी पार्टी में। Hey, welcome to MTV Indian Music Viewers Choice Award. I'm Nafisa having a blast. और आज हम यहाँ पर हैं एक तारे की खोज में, और वो खोज खत्म हो गई, because we have Mansi Shankar, the winner of the MTV Indian Viewers Choice Award. जिस दिन मैंने मानसी को पहली बार देखा, उसी दिन मैं 5 मिनट में समझ गया था, यही दुनिया की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। I'm grateful to Ken Star for giving us this honor. Ken Star makes the star, and that's मैं MTV देखती थी, पर इस पर मेरा गाना टॉप चार्ट पर आएगा,
ये ख्वाब मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर कौन सा ख्वाब देखा था आपने? वो ख्वाब तो कुछ और है। MTV ने आज हमें ये ऑनर दिया है। I'm really very excited and thrilled. आज मेरे रगों में खून दो गुना ज्यादा दौड़ रहा ट्वाइस। क्या बेबी? विक्रांत मारे को I'm really very excited. अब मेरी रगों में खून छह गुना ज्यादा दौड़ रहा है। Six star. भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। Oh, hi. आप इधर? हाँ मैं इधर। यहाँ? यहाँ कैसे? बस आ गया हूँ जैसे आप आए हैं। आप भी कैंसिल का विनर हैं? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन हो जाऊँगा। मैं आपसे दो मिनट। आइए। सच पूछिए दोस्त, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे भी आप पसंद है। यू आर इंटरेस्टिंग गाय। लेकिन महाराज अधिराज सरकार, एमटीवी ने हमारे ऑनर में इतनी बड़ी पार्टी दी है और आप उसे भंग करने के लिए फिर आशिक का रूप लेके पधार गए, ये आपको अच्छा लगता है? आशिक का रूप नहीं सर, आशिक हूं। किसका? उनका। देखिए भाई साहब, ये बिजनेस पार्टी है और इनकी सक्सेस का पहला दिन है, इसीलिए तो आया हूं। देखिए एज अ जेंटलमैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पहचानने से इनकार करती है सर। सर वो गुस्से में है सर, मोहब्बत में लड़ाई भी तो होती है। तो आपको पूरा यकीन है कि वो आपके पास वापस आएगी? यस यस 100%। और आप ही भेजेंगे उसे मेरे पास? He's freaking mad. ये दीवाना हो चुका है, इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाई प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मानसी शंकर के नाम। और आज की शाम के हमारे चीफ गेस्ट अ यंग डैशिंग एंड हैंडसम गाय मिस्टर मानव मेहता। Request Manav Mehta to give away the 10th star trophy titled the star of the year on behalf of MTV to Mansi Shankar. Mehta and Mehta company ke chairman ke ek lote bete jinhone London mein apne college mein maximum awards paaye, not only in Indian music but Indian literature. Well, a great Indian from Great Britain, Manav Mehta. इसे यहाँ एमटीवी वालों ने चीफ गेस्ट बना के बुलाया है। ड्रिंक्स कितने हैं? ये नहीं बनना चाहती हो तुम? तुम मानव सी हो, मानव सी। विवेक मीटर रीडिंग ले लो। यस परफेक्ट। वो तुम्हारा लाल मफलर वाला कह रहा था कि मुझे नहीं सुना है। That's not happening, Dasu. That's not happening, my boy. It's very simple. It goes like this. And attitude. All yours. कुछ भी कहो, बात है उसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You are absent. No thanks. वो आपकी प्रभा जी मिली थी मुझे, उसने मुझे मानव के बारे में सब बताया। तुम्हें मानव से दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसमें हर्जी क्या है? प्यार में तो माँ बाप विलन बनते ही हैं। वो तुमसे प्यार नहीं, इश्क करता है, इश्क। बस बस कीजिए आप, मुझे इस वक्त आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि आपकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपकी कंपनी के किसी भी आर्टिस्ट को इश्क, दोस्ती और शादी करने का हक ही नहीं है। और इस तरह की फिजूल बातें करके आप मेरे काम में और मेरे करियर में रुकावट डाल रहे हैं। और मुझे इस तरह काम करना पसंद नहीं, नहीं करना काम मुझे यहाँ।
नहीं करना था। ये चोट खाई हुई शेरनी है विक्रांत, क्यों छेड़ते हो यार? आई एम इम्प्रेस्ड बैनर्जी। आज की दुनिया में अभिमानी लड़कियां मिलती हैं, स्वाभिमानी नहीं। शी इज राइट। रिहर्सल ऑन। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। जरा मानसी को फोन दीजिएगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मानसी। हाँ। तुम्हारा फोन है विक्रांत के स्टूडियो से। कह देना उनसे मुझे काम नहीं करना है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए, हमारी कंपनी एक नई तरह की ब्रा लॉन्च कर रही है, ऐसी। और इस ब्रा के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एक खूबसूरत मॉडल चाहिए, वो भी हमारी कंपनी से। जी जी। और इसके लिए आपको सिर्फ मानसी ही चाहिए। जी। और इसके होर्डिंग्स लगेंगे सारे शहर में। जी जी। देखिए, इसके लिए आपको मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, व्हाट एवर यू से। आपको मालूम है ना कि मानसी एक सिंगर है? जी हाँ। वो एक डांसर भी है? जी। वो कलाकार है, स्टार है। अरे, आजकल तो स्टार लोग पैसे के लिए नंगे खड़े हो जाते हैं। ये भी ठीक है, पैसा भी ठीक है। बैनो जी, तुम बड़े उल्लू के पट्टे हो, कैसे कैसे बेवकूफ ग्राहक ले आते हो। वो इतना भी नहीं समझते कि मानसी एक भले घर की लड़की है, वो इस तरह की मॉडलिंग नहीं करेगी। या तो तुम गधे हो या ये गधे हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, आजकल तो भले घर की लड़कियां भी ऐसी मॉडलिंग कर रही हैं। आहा, तो मेरी राय आप लोगों के लिए ये है सर कि इसे पहनने के लिए मानसी से बेटर मॉडल तो आपके पास बैठी है। जी मिस्टर कपूर। हाँ, सुंदर है, स्वस्थ है, एकदम इंग्लिश है मैडम। विक्रांत, ये मेहता मेहता कंपनी के। हाँ हाँ, मालूम है। भले घर के लोग हैं तो भले घर के लोगों की इज्जत करना भी सीखे, समझे आप। इन कमीनों के साथ तुम डील करो, मुझे बहुत काम है। थैंक यू मिस्टर मेहता, हम कला भेजते हैं, लड़कियों की इज्जत नहीं। मैं तो कहती हूँ मानसी, तुम्हें आदमी पहचानने की तमीज ही नहीं है। गलत को सही समझती हो और सही को गलत। कपूर, तारा बाबू ने गाना और तर्ज लिख के शौकत के हाथों भेजा है। तारा बाबू खुद नहीं आए? सर, उनकी तबीयत खराब है। और मानसी? उसने आने से मना कर दिया है। मैंने 4 दिन में 6 बार फोन किया उसे, पर वो आना नहीं चाहती। उल्लू के पट्टे हो तुम, दुश्मन हो तुम मेरे, मुझे जलील करने की आदत है तुम्हें। लेकिन मैंने क्या किया कपूर? क्या किया? क्यों फोन किया 6 बार तुमने उसे? क्यों? तुम जानते नहीं विक्रांत कपूर क्या है? आई एम अ प्राउड मैन, प्राउड। अरे, उस जैसी कई लड़कियां आई और कई लड़कियां गईं। अरे, 4 बार मुस्कुरा क्या दिया अपने आप को? अपने आप को मिस वर्ल्ड समझ रही है? एक अवार्ड क्या जीत के अपने आप को स्टार समझने लगी है? जाइए जाइए साहब, तारा बाबू से कह दीजिए हमें नहीं चाहिए आपके गीत। विद आई डोंट वांटेड एंड आई डोंट वांट हर, अंडरस्टैंड? नाउ गेट आउट। तो ठेस लगी तुम्हें? हां, कौन ठेस पहुंचा सकता मुझे? हाँ, कौन बैनर्जी? मजबूत आदमी हूं, मजबूत। लेकिन ये आदमी आज इतना मजबूत तो नहीं लग रहा ना कप्पू। कहां से कमजोर लग रहा हूं मैं तुम्हें? हाँ, यहां से, दिल से। दिल से क्या? दिल से कप्पू, दिल से, जिससे आज तुम बात कर रहे हो पहली बार। शट अप यार। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम सचमुच मानसी को मिस नहीं कर रहे हो? अभी तू जाना, बोलो ना। अभी तू बोर क्यों कर रहा है? अभी जाना। मिस तो कर रहे हो तुम उसे। I care a damn for her. क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। मोहब्बत? नहीं, नफरत। नफरत? यानी आज का गाना नहीं होगा? सॉरी फोक्स, आज का सेशन कैंसल। ओह नो।
हेलो, मैं मानसी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जो तूने भी किया वो ठीक है। यू नो आई एम ईगोइस्टिक का। व्हाट हैपेंड अगेन? सो यू आर कमिंग। ओके। या ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम द प्याला पियो, मैं प्रेम द प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए 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 होए। मैं प्रेम द प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। सारी मधुशाला पियो, एक पल में सदियां जियो। मैं पियो, मैं पियो, मैं पियो, जा पियो, मैं जियो। ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए होए होए।
जोगी आया मैं जी आया ओए रंता जोगी मानव ये घर छोड़कर सावने वाली पिताजी की कॉटेज में रहने चला गया। जाने दो ना उसे भाई साहब। ठीक ही तो है, अब दादाजी की कुटिया आशिक की कुटिया कहलाए। तुम कहना क्या चाह रही हो? भैया विक्रांत मानसी को पसंद करता है और बैनर्जी के हाथों उसने एक कंगन भिजवाया है, देखिए ना। मतलब वो आपसे मानसी का हाथ मांग रहा है भैया। लेकिन कुछ नहीं भैया, ऐसे लड़के रोज नहीं मिलते हैं, वो भी विक्रांत जैसे। प्रभात भैया विक्रांत दिल से एकदम देहाती है, हम जैसा है। मानसी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, वो उसे बेहद प्यार करेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन जल्दबाजी। अब आपकी मर्जी, आप मानसी को घर बिठा के रखना चाहते हैं बिठा के रखिए, आती हुई तकदीर को ठुकराना चाहते हैं ना ठुकरा दीजिए। भैया मानसी का भी तो सोचिए, एक बार उसकी शादी हो गई तो अपना सारा दुख भूल जाएगी। ये आप क्या कह रहे पापा? मैंने एक बार तुझे अपनी तकदीर का फैसला करने का हक दिया ना, तो आज तुझे मेरी बात माननी होगी। शिवा ने तुझे सफलता दी, मुझे तो नहीं दी। एक बाप की सफलता इसी में है कि उसकी बेटी को अच्छा वर मिल जाए। देख बेटी, ये जिंदगी ना जाने कब धोखा दे जाए, इसलिए जाने से पहले मैं तेरी डोली किसी अच्छे लड़के को सौंप देना चाहता हूं। ना बेटी, ना नहीं करना बेटा, तुझे मेरी कसम। हाँ मानसी, ये रिश्ता बैनर्जी के हाथों में नहीं भेजा है। क्या आप मुझसे सच में प्यार कर सकेंगे? कुछ लोग प्यार करके शादी करते हैं और कुछ लोग शादी करके प्यार करते हैं। सेकंड कैटेगरी। वो जाते हैं सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते नहीं
जुदा तू नहीं, खफा है मगर बेवफा तू नहीं, बिछड़ के भी मुझसे जुदा तू नहीं, खफा है मगर बेवफा तू नहीं, मेरे हाथ में ही तेरा हाथ है, मेरे हाथ में ही तेरा हाथ है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे पास है। But maybe I'll be setting about 14 to 16 dancers, okay? खुश नसीब है वो आशिक जो महबूब के हाथ मरते हैं। बड़ी खुश लग रहे जनाब। Yes, yes. अभी अभी इंडिया की टॉप कंपनी BPL से संजय प्रभु का फोन आया था। Yeah? अरे वो कह रहे थे कि BPL वाले हमें इंटरनेशनल म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए केरला भेजना चाहते हैं, MTV इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। MTV? Yes. तुम्हारे आते ही लकी लक 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 कट 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 तड़म। I love you मानसी, do you love me? What? Fire? आग लग गई? It's all right now, sir. Sorry. Sorry, sorry. Don't worry, Dad. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बस थोड़ा सा हाथ वाथ जल गया, बाकी सब बच गया. वो क्या है ना कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि अंदर भी इतनी आग भड़क जाएगी. बाकी सब तो वो गोडाउन को बचाने में लगे थे, लेकिन मेरी भी कुछ कीमती चीज़ें थीं. मेरी वायलिन, आपका दिया हुआ डिजिटल कैमरा, मेरा कंप्यूटर. डॉक्टर दिलीप ने कहा है कि मैं कल घर जा सकता हूँ, टेनिस खेल सकता हूँ. आपके साथ टेनिस खेलूँगा मैं, बहुत दिनों से आपके साथ टेनिस नहीं खेला है. जिसे झूठ बोलने की आदत ना हो उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए.
बाबू मैं तुम्हारा आई लव यू Excuse me, sir. Yeah. Sir, आप सिक्योरिटी रजिस्टर पे दस्तखत के बिना अंदर नहीं जा सकते. मैं अंदर जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते. देखिए ना सर, ये बिना बताए अंदर चले आए, इन्होंने रजिस्टर पे भी साइन नहीं किया. कहते हैं ये आपके दोस्त हैं. तुम जाओ गोपाल, जाओ तुम. ये घर आए हमारे मेहमान हैं. आओ जगमोहन, बैठो. छाया, हमारे मेहमान के लिए कुछ ठंडा लाओ. जी. आज माँ सरस्वती की पूजा का दिन है जगमोहन. सरस्वती माँ मालूम है ना कौन है? मुझे शर्मिंदा मत करो तारा बाबू, आज मैं अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं, अपने बेटे की जिंदगी मांगने आया हूं. मानसी, मैं आज मानसी का हाथ मत कहना जगमोहन. जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया था अपनी बेटी की जिंदगी मांगने, तो नहीं 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 नहीं, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे इस धोखे ने कितना सदमा पहुंचाया मेरी बच्ची को. कितनी रातें रोई है वो बेचारी, कितनी रातें. और अब वो किसी और की हो चुकी है. ऐसा मत कहो. ऐसा ही है जगमोहन. वो विक्रांत कपूर के साथ कनाडा गई है उसके शो पर. अगले हफ्ते आते ही उन दोनों की शादी है, समझ गए तुम? स्काईडोम, इतना बड़ा स्टेडियम, हजारों लोग, सभी देश के सिंगर्स आए हैं मानसी. इतना बड़ा कंपटीशन क्या होगा. एनीवे, मजा आएगा. विक्रांत को पूरा भरोसा है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा. विक्रांत, हाँ, माना मेहता की न्यूज पढ़ी? क्यों, तुम्हें तकलीफ हो रही है? जाओ अपना काम करो. लंदन के सबसे अमीर आदमी जगमोहन का बेटा आग में कूद गया अपनी महबूबा का एक स्कार्फ बचाने के लिए. महबूबा कौन किसी को नहीं पता. ये खबर तो मुझे बार बार क्यों सुना रही हो? ये देखो दीदी, पेपर में देखो. मुझे नहीं देखना. तुम जानती हो कि मेरी सगाई हो चुकी है. सगाई हो गई और सब खत्म हो गया. मानव अपनी जान पर खेल गया और तुम्हारी आंखों में दो आंसू भी नहीं. इस दुनिया ने तुम्हें बिल्कुल पत्थर बना दिया. एक फोन भी नहीं कर सकते तुम उसे? इला प्लीज, उसने तुमसे सही प्यार किया है दीदी. इला शन्नो, चलो चलो, विक्रांत ने बुलाया तुम्हें, चलो. मैम, ये कॉस्ट्यूम्स रेडी, वुड यू लाइक टू चेक इट आउट? यस श्योर. तुम्हारे सामने आ सकता हूं मैं? एक मिनट प्लीज. ओके ओके. ला 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 ला. अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मानसी, ऑर्केस्ट्रा पूरा वेट कर रहा है. कम ऑन, गेट रेडी. शौका, जल्दी करो. तुम रो रही थी ना? तुम रो रही थी? शौ, उसकी याद आ रही ना? Just joking, just joking. मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो. You love me. Me.
me and I love you. Right? You love me? Let's share this coke. Coke pure, right ho ja. Come on, come on. Ek minute. इससे मोहब्बत बढ़ती है. पियो पियो पियो. कोक हमारी कंपनी का ही स्पॉन्सर है. कम ऑन पियो पियो पियो. मानसी देखो मानसी, हमें ये वर्ल्ड कंपटीशन जीतनी है. जीतेगा वही जो दिल से और आत्मा से गाएगा. तुम सिर्फ गाने पर ध्यान दो. ओके बैनर्जी, सुनिए, क्या मैं आज के शो में अपने गांव का गीत गा सकती हूँ? गांव का? लेकिन हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है ऑर्केस्ट्रा के साथ, और ये दूसरा गाना. अब आप ही ने तो कहा था कि जीतेगा वही जो दिल से और आत्मा से गाएगा. ओके 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 बैनर्जी ऑर्केस्ट्रा चेंज. मानसी एक नए ताल में गाना गाएगी, दिल से और आत्मा से. किसी की इश्क़ बिना
Okay, thanks a lot. Okay, bye, see you in Bombay. India se mubarakbad ke bahut phone aa raha hai Mansi. Now you're an international star. I'm really very happy, very happy. Tum khush ho na? Bahut khush hoon. Kya for some wine? No, thanks. Kal raat jo gaate gaate tumne aansu bahaye wo tumne bahut acha kiya, bahut acha kiya. अरे ये मानव का जहर तो निकलना ही था. अच्छा हो गया शादी से पहले ही निकल गया. शादी के बाद निकलता तो शायद मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती. Do you love me? Yes, Vikrant. कल 27 है, कोर्ट में हमारी शादी, रिसेप्शन और फिर मालूम है बीपीएल वालों का फोन आया कि एयरपोर्ट पर पहुंचते हमारा कमाल का रिसेप्शन होने वाला है. कल मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन होगा. बेस्ट. मानसी जी, आज के बाद आप मिसेस विक्रांत कपूर बन जाएंगी. आप खुश हैं ना?
जी हाँ। सब ठीक है ना? मानव यहाँ तो नहीं है? आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था मुझे मानसी से मिलना है। थैंक यू। फिर क्या हुआ? फिर वो गायब हो गया। गायब हो गया? एसीपी साहब। यस। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है जबरदस्त। डोंट वरी सर, सब इंतजाम है। प्लीज प्लीज पीछे हटिए आप लोग। मानसी की तबीयत ठीक नहीं है, कैन यू प्लीज? आप लोग पीछे हटिए। पूरा ड्रामा तैयार है, 4 बजे तक तुम्हारी मैरिज हो जाएगी और उसके बाद होटल लीला में रिसेप्शन है। और मानव? मानव का क्या है यार, उड़ा देंगे बीच में आए तो। उड़ा देना, जरूरत पड़े तो उड़ा देना। दीदी बैठेंगे दीवाने तो। सही है। चीयर्स। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाबा आपको दीदी बुला रही है। ले पकड़। क्या है ये? क्या है बाबा? क्या क्या है? आप किसके साथ हंस रहे हैं? कोका कोला पी रहे हैं? मैं समझ गया बेटा, दुनिया में पहले दोस्त बनते हैं, फिर प्यार होता है, फिर झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद अगर दोस्त वापस आके माफी मांग ले तो प्यार और बढ़ जाता है। बाबा आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? बेटा जगमोहन तुम्हें आशीर्वाद देने आया है मेरा दोस्त बनके। चलो भाई अंदर चलो, कम ऑन लेट्स गो। अच्छा जी जाओ 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 भाई जाओ। जाने दो तारा बाबू, मैं चलता हूँ। मुझे माफ करना भैया, ये क्या माफी? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ओके मैं चलता हूँ। डरो मत मानसी, मैं आज तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने नहीं आग बुझाने आया हूँ। नहीं मानव भैया, आज के दिन नहीं, आज के दिन ही इला, आज के दिन ही तुम्हारी दीदी के झूठे मेकअप को उतारना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं मानसी कि शादी ना ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई उत्सव है। अगर उत्सव है तो लोगों के लिए है। शादी दो आत्माओं दो दिलों का मेल है जिसमें दो जन भरपूर जिंदगी साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मरते हैं। तुम आज विक्रांत से शादी करके सबसे बड़ा धोखा विक्रांत को दे रही हो और खुद को भी। अरे ये शादी नहीं, 3 जिंदगियों की बर्बादी है। क्योंकि तुम शादी विक्रांत से कर रही हो लेकिन तुम्हारे दिल में मानव है, सिर्फ मानव। नहीं कोई नहीं है मेरे दिल में। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे हर गीत हर सुर हर ताल में मानव है। मानव ही तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार है। भाई साहब चलिए बात चलिए। एक मिनट देखो रो रही हो तुम, आंसू बह रही हो और तुम्हारे आंसू कह रहे कि जो होने जा रहा है वो सच नहीं है। प्रेम ही मर सकते हैं मानसी, प्रेम नहीं। भाई साहब आप बाहर चलिए। रहने दो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा मानसी। बाहर चलिए प्लीज। आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ। हाँ हाँ बैनर्जी दादा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी कोर्ट में भी होगी, मंडप में भी होगी। तेरी कुछ समझ में भी नहीं आएगा बेटा, ये ताल बेताल हो चुकी है बस। एसीपी साहब, ये आपकी क्या सिक्योरिटी है? वो आदमी देख रहे हो कुत्ते के साथ, वही मेरा दुश्मन है। उसकी जेब में बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब, जो हमें तुम्हें सबको उड़ा देगा। आई एम वार्निंग यू विल बी फिनिश्ड। जरा एक मिनट ठहरिए। ए लड़के हिलना मत। मैं कहाँ हिल रहा? नहीं मुझे लगा कि तुम हिलोगे।
मंडप पे शादी करने से पहले आपने कोर्ट में शादी करने की क्यों सोची? आप दिल्ली से आज तक अगर ये राज मैं आपको कल तक बताऊं तो चलेगा? होटल लीला में आइए और रिसेप्शन के बाद पूछिए। फिलहाल मैं जरा टेंशन में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे वो लड़का तो एक फैन है मानसी जी का, जैसे कि आम फैन हुआ करते हैं। उसकी जेब की तलाशी में ये देखिए मानसी जी की तस्वीर निकली है। देखिए, कोई बम का गोला नहीं निकला जैसा कि आपने कहा था। एसीपी सिंह, हर फैन और इस मैन में बहुत फर्क है। इसे गिरफ्तार कीजिए। अरेस्ट हिम टिल आई गेट मैरिड, अंडरस्टैंड? आई कांट अंडरस्टैंड, हाउ कैन अरेस्ट हिम? अरे कोई वजह तो होना चाहिए। हम खास को गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो फिर डांस कीजिए। हाँ? डांस कीजिए ना। इस पब्लिक ने तो दिमाग खराब कर दिया। थैंक्स। कैसी हो तुम? अच्छी हूं। वो यहां आया हुआ है चिच्चड़ कहीं का, अगर चाहता क्या हमसे? ब्राउनी, ब्राउनी, तुम जानती हो उसे? जी, वो मानव का कुत्ता है। बहुत बहुत प्यार आ रहा मानव के कुत्ते पर। पुनिया है, कुत्ते को बेच दिया। अबे हट, जा उस कमीने के पास। चल, हट, हट, हट। अरे मेरा कुत्ता मर जाएगा। अरे आप भागिए, छोड़ो मुझे। थैंक यू इला, थैंक यू। इला शर्नो, एक बात सच सच बताओगी तुम? जी। मानव मानसी से एयरपोर्ट लॉन्च में क्या कह रहा था? तुम्हें मानसी की कसम। मानव कह रहा था कि मानसी तुम शादी भले ही विक्रांत से कर रही हो, पर तुम्हारे दिल में सिर्फ मानव ही है। दादा वो देखिए उधर। ओए, ये यहाँ भी आ गए? नेक्स्ट। और कितना टाइम लगेगा बैनर्जी? बस तीन रजिस्ट्री हो गए हैं, दो कपल और बाकी रह गए। सब काम फिट फटाफट होता चला जा रहा है। पुलिस, सिक्योरिटी, हर चीज का इंतजाम है हमारे पास। लीला में हमने इंटरनेशनल प्रेस भी बुला रखी है। आखिरकार सुपरस्टार कप्पू मैरिज ब्यूटी क्वीन मानसी। सोमवार के दिन सात लोग की शक्ति शिव शक्ति का आशीर्वाद जरूर लेना बेटे, जीवन में जीत ही जीत होगी। सॉरी बाबा, इस वक्त मेरे पास सिक्का नहीं है। बाबा ये लीजिए। मन पसंद वर तुम्हें सदा सुखी रखे। कपू, इट्स ऑलमोस्ट डन। पांच मिनट में रजिस्ट्रार तुम्हें बुलाने वाला है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके प्रभा, इन दोनों को लेकर आना।
5 मिनट में हम दोनों की शादी हो जाएगी। कमाल जिंदगी है। एक बात सच सच बताओगी तुम? खुश हो ना तुम? हाँ खुश हूँ। मुझसे प्यार करती हो? जी। मुझसे प्यार करती हो? ये क्या सवाल है? अभी अभी जो तुमने साधु को सिक्का दिया उससे मुझे अपनी माए की याद आ गई। माए, वाह। माए कहती थी, नेकी कर दरिया में डाल, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सच्चा प्यार बलिदान में है। और मामा जी कहते थे, ये सब बकवास है, बस हासिल करो हासिल करो हासिल करो। मानसी, ना जाने आज मुझे क्यों लग रहा है कि मैं हार रहा हूं। और वो तुम्हारा मानव है ना, मानव, वो मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। मुझे, और मुझे हारने की बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे जीतना है, हर हाल में मुझे जीतना है। और अगर तुम्हें मेरे एहसानों का जरा भी एहसास है तो तुम्हें मुझे जिताना होगा। मुझे, मैं कैसे? देखो मेरे प्यार की तरफ, देखो मुझ में सिर्फ अहंकार है, चलन है, द्वेष है, हट है, हासिल करने का हट है। और मानव, मानव में ईश्वर है, सही ईश्वर है। उसके प्यार और सच्चे प्यार ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, हमेशा चोट पहुंचाई है। सही तो कहा उसने कि मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई उत्सव नहीं, वो तो दो आत्माओं का मेल है जिसमें दो जन जिंदगी भर साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मरते हैं। ठीक ही कहा उसने कि दुनिया जीत लेने से और अंग्रेजी कपड़े पहन लेने से हिंदुस्तानी लड़की अंग्रेज नहीं बन जाती। उसका पहला प्यार ही रहता है। देखो मैं डायरेक्टर हूं, जानता हूं, अंदर की बात सुन लेता हूं। तुम्हारे रोम रोम में मानव बसा हुआ है और तुम्हारे खून की हर बूंद में भी। देखो ये देखो, अरे पगली, तुम अपने प्यार से झगड़ कर मेरे पास आई, खुद को बदल डाला मगर दिल को ना बदल सकी। तुम्हारा दिल तो वही है मानव के पास। तुम्हारे गीतों की सही ताल सिर्फ मानव है, मैं नहीं। राज, आज तुम्हें मुझे जिताना है, जानती हो कैसे? अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो और भाग कर सबके सामने मानव के पास चली जाओ। प्लीज, तेरी खातिर, हम तीनों की खुशियों की खातिर, जाओ जाओ। किसी आज से हम लोग हमेशा, मैं, तुम और मानव, दोस्त बनकर रहेंगे। हालांकि मिस्टर ग्रेट का है, गो मानसी, गो गो।
तुम्हें जुदा किया और हम ही मिला रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है बेटी, गले मिलो, गले। अरे कैसे मिलेंगे यार, हम जो यहां पे हैं। चलो चले। ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसा हो सकता है, है?